छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख मुद्दा है धर्मांतरण, जो सनातन धर्म से किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, खास करके ईसाई धर्म में। ये सरगुजा से लेके ये पूरा जो बस्तर का है, हर जगह पे धर्मांतरण की खबरें सामने आती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सत्ता बदलती है, लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और जो सनातन के पुरोधा हैं उन लोगों को पुनः अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, मतलब उनका सनातन में वापसी हो रहा है। अभी की जो घटना है वो बलरामपुर ज़िले के कंदरी गांव की है, जो बलरामपुर ज़िले के मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे करीब 250 साल पुराना राम मंदिर है, और वहाँ पे इस समय भव्य शोभा यात्रा यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, और कल ही वहाँ पे करीब 100 लोगों ने अपने धर्म में यानी कि सनातन धर्म में पुनः वापसी की है। एक संत आए हुए हैं सतानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन के हैं, कथावाचक हैं, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से सनातन धर्म की क्या महत्ता है, किस तरीके से वो लोगों को अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, और कल करीब 100 लोगों का पहले चरण धुलकर उनको पुनः सनातन में वापसी कराया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री राम। यह जो यज्ञ हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के जो नूतन जिला बना है बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत आने वाला, यह चांदो क्षेत्र और कंदरी ग्राम का सबसे प्राचीन, लगभग अनुमानन है कि 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है, श्री राम मंदिर ठाकुरवाड़ी कंदरी। यहाँ पर जो है एक वर्ष से तैयारी चल रही है यज्ञ की, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ है नवकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं अरमासी राम कथा। इस यज्ञ का और कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म की स्थापना घर घर में हो। जो भाई बंधु सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सनातन की महिमा को समझे, हिंदुत्व की महिमा को समझे, अपने आप को पहचाने, और जो हमारे हिंदू धर्म के जो बंधु हैं, जो जाति पात में बटे हुए हैं, वो जाति पात से हट करके एक झंडे के नीचे आ करके यह स्वीकार करें कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से हट करके एक हिंदू हैं, अपने आप को हिंदुत्व के रूप में प्रस्तुत करें समाज में, सब लोग एकत्रित हों, एक झंडे के नीचे आ करके भारतवर्ष को पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। और जो जहाँ पर आप उपस्थित हैं कंदरी मंदिर में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ लगभग भगवान श्री राम की और श्री कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, दुर्गा जी की मूर्तियाँ थी, चोरी हो गई, जीर्ण शीर्ण मंदिर बना था। हमारे अंबिकापुर के रहने वाले अच्छे जयसवाल जी एवं उनके सहयोगी और बहुत सारे लोग, तिलक देव जी, अशोक जी, अन्य यहाँ जो गणमान्य लोग हैं, उन सब ने सहयोग किया और सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग कलश यात्रा के दिन 6,000 से 7,000 लोग थे, प्रतिदिन 3,000 लोग 4,000 लोग कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और अभी 2 दिन लगभग 10 लोगों ने घर वापसी करी है, और आज लगभग 30 परिवार जो हिंदू परिवार ही है, पर किसी कारणवश बहकावे में पड़ करके, लोभ में आकर के, या किसी ने उनका माइंड वॉश किया, वो ईसाई बन गए थे, अब उनको आत्मग्लानी हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, अब वो अपने पुनः अपनी उसी परंपरा संस्कृति संस्कार में वापस आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया बंधु इस बात को सब तक पहुँचावें कि सबसे प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है, जो अनादि है, अखंड है। जो अन्य धर्म पंथ आए हैं उनकी तो एक समय निश्चित है, कब आए कब खत्म होंगे, पर सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो ना जन्म, जिसका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी अंत होगा। मैं निवेदन करता हूँ आसपास के बलरामपुर अंबिकापुर के समस्त सनातन धर्मावलंबियों से कि जीवन में एक बार आप कंदरी मंदिर जरूर आइए। कंदरी मंदिर इतना प्राचीन है और इतनी ऊर्जा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और भविष्य का संकल्प है इस बड़े प्रांगण में एक कर्तव्य पथ नाम का गुरुकुलम स्थापित होगा, हाईटेक गुरुकुलम होगा, जहाँ पर आसपास के बच्चे पढ़ पाएंगे, चिकित्सालय होगी, गौशाला होगा, मैरिज हॉल होगा, ये सारी व्यवस्थाएँ इस पर बनाई जाएंगी, और आप सबका सहयोग मिल रहा है। मैं वृंदावन का रहने वाला यहाँ पर आया हूँ, आसपास के आदिवासी जो हमारे बंधु हैं उनका खूब लाड प्यार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। ये मंदिर बलरामपुर ज़िले के करीब 35 किलोमीटर दूरी पर ये तहसील
चांदो क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंदरी में स्थित है प्राचीन राम मंदिर, जो करीबन 300 साल पुरानी है। यहाँ पहले अष्ट धातु की मूर्ति थी, जो 2010 में चोरी होने के बाद मंदिर का स्थिति काफ़ी जर्जर था। आप लोग देख भी चुके हैं, यहाँ का रानी तालाब भी देखे हैं, आप लोगों को दिखा चुके हैं कि आप कितना प्राचीन है। इनका जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का, अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। मंदिर में मूर्ति चोरी होने से पहले यहाँ शादी विवाह अन्य कार्यक्रम हुआ करता था, परंतु जब से चोरी हुआ था तब से यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। पुनः अभी जीर्णोद्धार के बाद, जीर्णोद्धार जब से हुआ है और महाराज जी के आने के बाद, यहाँ लोगों का आना जाना और इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, कथा वचन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास बढ़ा है अब। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर जो है सरगुजा महाराज के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, उनका अंतिम संतान एक बेटी थी, मानना है कि उनका शादी हुआ था उड़ीसा में और उनका अंतिम संतान होने की वजह से उनका पीढ़ी समाप्त हो चुका है और उसके बाद यहाँ दूसरे लोगों का कब्जा हो चुका है उनका ज़मीन जायदाद पर। मात्र यहाँ 14 एकड़ ज़मीन मंदिर समिति का बचा हुआ है। मेरा नाम सुखदेव हड्डे, आज जो है महायज्ञ जो कंदरी में जो चल रहा था, तो चल रहा है आज, तो हम लोग जो है आज जैसे घर वापसी करने आ रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए थे, तो हमें अपने आप में मतलब थोड़ा सा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं अपने समाज से, अपने जाति से, तो हमें फिर बाद में एहसास हुआ, फिर इसके बाद फिर वापस जो है अपने हिंदू धर्म में फिर वापस आ गए हैं। कितने की संख्या में आप लोग? संख्या हम लोग का लगभग 100 से ऊपर होगा, मेरे गांव से 50 हैं और भी गांव से ऐसे 50-50 करके हैं। अभी कैसा लग रहा है वापसी के तहत? आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज घर वापसी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जो है अपने घर वापस आ रहा हूँ, जैसे राम के चरणों में आ रहा हूँ जैसे लग रहा है। मैं पत्रस किसपोटा ग्राम पंचायत पुटसुरा से हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हैं, देख सकते हैं अगल बगल में, और यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में कर्मठ हुए थे और आज हमारे आचार्य सतानंद महाराज जी के उनके पवित्र चरणों पर पड़ते ही ये कंदरी मंदिर का प्रांगण बिल्कुल चेंजेस हो जा चुका है, ये आराधनामय हो चुका है। और यहाँ पर ये जो आए हैं मेरे साथी लोग, ये सब जो है घर वापसी होने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आचार्य सतानंद महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।